नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयरिश समाचार में। मेरा नाम है प्रणव और मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते आपको आयरलैंड से रिलेटेड बहुत सारी खबरें। आफ्टर ब्रेक्सिट आयरलैंड इज द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन यूरोप, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब आयरलैंड आना चाहेंगे अपनी फ्यूचर पढ़ाई के लिए। बट क्या आयरलैंड में खर्चे गुजारा करना आसान है या मुश्किल, वो मैं आपको आज की वीडियो में जरूर बताऊंगा। आयरलैंड में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है आयरलैंड के घरों का रेंट। जी हाँ, वो कम से कम 600 यूरो से स्टार्टिंग होता है पर मंथ। और साथ साथ आयरिश यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो भी कम से कम शुरू होती है 6000 यूरो से कम 20000 यूरो साल का। जहाँ इतने खर्चे के बाद भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं, जो ईयू में नहीं आते, उन स्टूडेंट्स को एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है एक साल का। और जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी अभी तक जो प्राइस था 100 यूरो का था, या कोई कोई अलग वीज़ा टाइप में वो 250 यूरो का था। लेकिन हमें अभी अभी ये खबर मिली है कि वो जो मेडिकल इंश्योरेंस के प्राइजेस हैं वो भी अब इंक्रीज होने वाले हैं। 8 अप्रैल 2020 द कोर्ट ऑफ अपील ने बोला है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का कोर्स मोर देन 12 मंथ्स का है वो एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो जाते हैं उस स्टेट के, एंड उनके जो मेडिकल इंश्योरेंस प्राइजेस है दैट आर हाइप्ड अप। उनके मेडिकल इंश्योरेंस के जितने भी प्राइजेस हैं वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जिनका ड्यूरेशन सिर्फ एक साल का है उससे ज्यादा होगा। सो दिस जजमेंट वॉज परफेक्टेड ऑन 11 सितंबर 2020 एंड केम इनटू एक्शन फ्रॉम 2 अक्टूबर। तो उसके हिसाब से द प्राइजेस ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंसेस आर आल्सो राइजिंग इन आयरलैंड। वन ऑफ द ब्राजीलियन स्टूडेंट जिनका नाम उन्होंने बताने से मना करा है, उन्होंने बताया कि उनको अपने कॉलेज से ईमेल आया था जिसमें उनको इस चेंजेस के बारे में बताया गया था, और प्राइजेस 100 यूरोस अ ईयर से 700 यूरोस अ ईयर हो गया था उनका मेडिकल इंश्योरेंस। इस टाइम पे, इस कोविड के टाइम पे जब जॉब्स बहुत कम हैं, जो 20 आवर्स लोग पार्ट टाइम करते थे उनकी पार्ट टाइम्स बंद हो चुकी हैं, इस टाइम पे पैसे कमाना आयरलैंड में थोड़ा मुश्किल है। और उसके साथ साथ इतने सारे खर्चे निकालना जिसमें आपका रेंट आता है, आपकी यूटिलिटीज बिल्स आते हैं, और साथ साथ आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग और सबके बिल्स आते हैं, इन सबके खर्चे निकालने के बाद भी अगर आप ऊपर से 700 यूरो और देंगे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए तो आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आने के चांसेस हैं। वेल, द आयरिश नेचुरलाइजेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ आयरलैंड आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट दीज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज। वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन आयरलैंड सेड that these immigration related doubts are all to be cleared by the INS, and INS has haven't said anything about these policies yet. तो दोस्तों, चांसेस है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस के प्राइजेस हैं आयरलैंड में वो इंक्रीज होने वाले हैं अगले साल तक। वेल, इस कंट्री में जहाँ पे अकोमोडेशन तो बहुत एक्सपेंसिव है ही, उसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी यहाँ पर बहुत कॉस्टली होने वाली है अगले एक साल तक। तो क्या ये इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रॉफिटेबल होगा आयरिश गवर्नमेंट और आयरलैंड के लिए या नहीं, वो तो हमें एक साल बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये न्यूज़ आपके लिए थोड़ी फायदेमंद हो। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम प्रणव और आयरिश समाचार आपके लिए यूं ही डेली हर हफ्ते आपके लिए ऐसे न्यूज़ लाते रहेंगे।